क्वालिफाई करते हैं और इस मामले में उन्होंने आंदोलन कर रहे जेबीटी एवं डीएलएड प्रशिक्षकों के साथ सहानुभूति जताई। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जेबीटी एवं डीएलएड प्रशिक्षकों के पक्ष में न्यायालय से फैसला आने के बाद ही सरकार कोई फैसला लेगी। इसी के माध्यम से बी एड भी उसके लिए क्वालिफाई करते हैं, वो जेबीटी के लिए अपना आवेदन दे सकते हैं, वो भी काउंसलिंग के लिए आगे आ रहे हैं। और अब ये मैटर, ये जो मामला जिसके बारे में आपने बात रखी है, ये कोर्ट में भी है, लेकिन जो वर्तमान की व्यवस्था है वो मैं समझता हूँ उसकी काउंसलिंग आपकी चली है और उसमें आपके जिन्होंने बी एड क्वालिफाई किया वो भी उसके लिए एलिजिबल है। उसके प्रति भी हमारी सहानुभूति, पर साथ ही साथ हमारी जो जवाबदेही है और साथ ही साथ शिक्षा विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इनडेफिनेटली आपके कोर्ट के ऑर्डर कब आएंगे कब नहीं आएंगे, तब तक हम अपने स्कूलों को भी खाली नहीं रख सकते हैं। आपकी जो भर्ती की प्रक्रिया वो चली रहेगी और जैसे ही आपके ये कोई कोर्ट का ऑर्डर आएगा उनके पक्ष का, तो निश्चित रूप से सारी बातों पर पुनर्विचार करेंगे। मंडी में